Good morning, third class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your SST teacher. Student, today we will continue our remaining chapter, chapter number 7, Festivals in India. तो हमने इस चैप्टर में 3 टाइप्स के फेस्टिवल पढ़े थे, नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल. नेशनल फेस्टिवल में हम लोग इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे रीड आउट कर चुके थे. अब हम गांधी जयंती के बारे में पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. 2nd अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती एवरी ईयर. हर साल 2nd अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर जो है वो गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है. आपको पता है ना, गांधी मेला भी लगता है हमारे स्कूल में. महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2nd अक्टूबर 1869. महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 2nd अक्टूबर 1869 को हुआ था. इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री. ये जो है वो हमारी पूरी कंट्री में मनाया जाता है. इट इज़ अवर नेशनल फेस्टिवल. ये जो है वो क्या है? हमारा नेशनल फेस्टिवल है. ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया. ही प्रीच्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. प्रेयर ऑफ ऑल रिलीजन आर हेल्ड एट द एंड हिज समाधि एट राजघाट इन न्यू दिल्ली. जो गांधी जयंती है उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलवाई थी, आप सभी जानते हो, किससे? सत्य और अहिंसा से. उन्होंने क्या बोला था? अगर हम किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं उससे अच्छा जब हम किसी से प्यार से बात करते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा. लाइक अगर कोई आपके गाल पे एक थप्पड़ मार रहा है और आप दूसरा गाल भी उसके आगे कर दोगे ना, तो उसे खुद फील हो जाएगा कि मैंने गलती की है. और उसने आपको एक थप्पड़ मारा, आप उसे उठा के 2 थप्पड़ मारेंगे तो वो आपको 4 मारेगा, है ना. तो गांधी जी ने क्या बोला कि अगर आपके गाल पे कोई एक थप्पड़ मारता है तो आप दूसरा गाल आगे कर दो कि लो इस पे भी मार लो. वो नहीं मारेगा क्योंकि उसे रियलाइज़ हो जाएगा कि मैंने गलत किया है. तो गांधी जी यही बोलते थे कि हमें जो भी काम करना चाहिए वो बिना लड़ाई झगड़े के और प्यार से करना चाहिए, ठीक है. गांधी जयंती पे रिलीजियस प्रेयर्स जो होती हैं वो होती हैं गांधी जी की समाधि पे, जिसे हम क्या कहते हैं, जो कहाँ पर है? राजघाट न्यू दिल्ली में, ठीक है. द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट एंड अदर विजिट राजघाट एंड पे देयर रिस्पेक्ट एंड होमेज टू फादर ऑफ द नेशन. ही वॉज फॉन्डली कॉल्ड बापू. ये क्या कह रहे हैं कि गांधी जयंती पे जो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो राजघाट पर आते हैं, उन्हें क्या रिस्पेक्ट देते हैं, आदर सत्कार देते हैं और क्या करते हैं, और जो हमारे गांधी जी थे उनको फादर ऑफ द नेशन भी कहा गया, जिसे राष्ट्रपिता कहते हैं, राष्ट्रपिता भी कहा गया. और वो ऐसे एक व्यक्ति थे और उनके बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिनको राष्ट्रपिता कहा गया. राष्ट्रपति बहुत सारे हुए हैं लेकिन राष्ट्रपिता जो थे वो सिर्फ एक हुए थे, और वो कौन थे? गांधी जी. और उनको हम क्या कहते थे? बापू भी कहते थे. तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? होली के बारे में पढ़ा, सॉरी गांधी जयंती के बारे में पढ़ा. अब हमारे जो रिलीज नेशनल फेस्टिवल है वो तीनों हमने पढ़ लिए हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती. अब हम रिलीजियस फेस्टिवल स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारा फर्स्ट है होली, ठीक है. द कलरफुल फेस्टिवल ऑफ होली इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री. जो हमारा होली का कलरफुल जो फेस्टिवल है वो पूरी कंट्री में मनाया जाता है. इट कम्स इन द मंथ ऑफ मार्च. ये कौन से मंथ में आता है? मार्च के मंथ में होली आती है. इट इज़ सेलिब्रेटेड व्हेन क्रॉप्स आर रेडी फॉर हार्वेस्ट. और ये कब मनाई जाती है? ये कब आती है होली? जब जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं, वो बिल्कुल कटने के लिए तैयार हो जाती हैं. ट्रीज एंड फील्ड ब्रूम विद न्यू लीव्स एंड फ्लावर. जो पेड़ होते हैं उन पर नई नई पत्तियाँ आती हैं, नए नए फूल्स आते हैं. इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ इंडिया. ये जो है वो नॉर्थ इंडिया का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है. होली फेयर इज लिट एंड वर्शिप. पीपल प्ले विथ कलर्स ऑन दिस फेस्टिवल. इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. जो लोग बाग होते हैं वो होली पे कलर्स से खेलते हैं, इसलिए इस फेस्टिवल्स को क्या कहा जाता है? फेस्टिवल ऑफ कलर भी कहा जाता है. देखिए आप इस पिक्चर में देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, पिचकारी में कलर लेकर मार रहे हैं एक दूसरे के ऊपर. तो ये क्या है? होली सेलिब्रेट हो रही है. डू यू नो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वर द वेपन्स ऑफ विच महात्मा
गांधी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये क्या कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि ट्रुथ और नॉन वायलेंस यानी कि सत्य और अहिंसा जो थे वो गांधी जी के दो हथियार थे जिसके थ्रू उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश जो थे जिन अंग्रेज़ों ने हमारे पर शासन किया हुआ था उनसे लड़ाई की। ऐसा नहीं उन्होंने गोलियां चलाई, हाथापाई की, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ सत्य का साथ दिया और बिना लड़ाई झगड़े के आगे बढ़ते गए। और आज आप देख सकते हो कि हमारा जो देश है वो आज़ाद है ना। तो चलिए आज हमने इतना ही पढ़ा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।